में टहल रहे हैं, आपको तो अयोध्या में होना चाहिए था। अयोध्या में क्या करने के लिए, अयोध्या में तो एक सनातन विरुद्ध, जनमानस विरुद्ध षड्यंत्रकारी आसुरी शक्तियों का विख्यात हो रहा है अयोध्या में, राम के नाम पर। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है, राम की प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा भाई, जिसने पूरे जगत की प्राण प्रतिष्ठा किया हो, राम की प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा। राम ने तो हमारी प्राण प्रतिष्ठा किया, कबीर साहब ने कहा था राम चार हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घड़घड़ भाषा, एक राम है शकल पसारा, एक राम है जगत सन्यारा। वो तो अयोध्या में निजी कार्यक्रम हो रहा है। आप ये बता दें, कोई एक व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार जब पूरा मकान तैयार कर लेता है, उसके बाद उसमें गृह प्रवेश कराता है, एक गरीब ग्रामीण अंचल का व्यक्ति जो अपने मकान या झोपड़ी बनाता है, अगर मंडई भी पूरा तैयार हो गया तो उसको देखने के बाद तब उसमें धूप अगरबत्ती करके सत्यनारायण की कथा सुन के कहता है जो जितनी क्षमता है। और ये राम वाले ऐसे हो गए, अरे डर लागे, हंसी आए, ऐसा जमाना आया रे। कह रहे राम आ रहे हैं। हाँ राम आ रहे हैं, कृष्ण को लाएंगे। कहाँ थे राम, इंग्लैंड में हैं, थाईलैंड में हैं, अमेरिका में फंसे हैं, कहाँ हैं राम, यही बोल रहे हैं, श्वासा ही चलती है जो, यही राम है। और जब आपका ये मंदिर सबसे बड़ा जो है, इसमें 33 करोड़ देवता वास करते हैं, और इस मंदिर में श्वासा जो जा रही है, इसको आप निर्मल और स्वच्छ नहीं करेंगे तो राम को दर्शन होने वाला नहीं है, रावण आपको पक पक पे मिल जाएगा। तो आप कह रहे हैं उनका दिल नहीं साफ है। अच्छा ये बताइए, आप धर्म में जब राजनीति जाती है तो उस देश का भी विनाश होता है, उस समाज का भी विनाश होता है। आज आपको आनंद फानन में क्या पड़ा, चार चार शंकराचार्य बोल रहे हैं, कोई समाजवादी पार्टी से बोले, अन्य पक्ष से बोले तो लोग उसको कह रहे हैं कि ये राम विरोधी है, इनके, हम राम विरोधी नहीं है, हम मंदिर विरोधी नहीं है, हम राम नाम पे जो व्यापार हो रहा है, आने वाले नौजवानों को अच्छा थमाकर अब 5 किलो राशन और राम के नाम पे सब कुछ, 2 करोड़ नौकरी का आपने वादा किया था वो खत्म, मणिपुर को राम के नाम पे खत्म कर दिया जाए, और देश में आए दिन लूट हत्या बलात्कार पाखंडवाद चरम सीमा पे, बुलडोजर का भय, गोली का भय, चौथा स्तंभ को दबा दिए गया, पूरे देश का जीडीपी कहाँ चला गया। एक देखिए सबसे बड़ा खाई क्या है, पूंजीवाद बढ़ा। आज ये लड़ाई मुसलमान, ये हिंदू है कह रहा है, हिंदू शंकराचार्य क्या है, मुसलमान के मुल्ला हैं, मक्कस तो आए नहीं है, शंकराचार्य हैं, वेदों पुराणों शास्त्रों का उन्होंने साक्ष प्रस्तुत किया, वही लोग तो साक्ष प्रस्तुत करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो आप आनंद फानन में उस पे राम नाम, राम आ रहे हैं, राम आ रही है भाई, राम राम राज तब आएगा जब राम के विचारधारा से आप चलेंगे, उनके विचारों को धरातल पे उतारेंगे आप। हमें लग रहा है स्वामी जी ये तिलमिलाहट है समाजवादी पार्टी के अंदर कि हमारे राज में नहीं बना और दूसरे भाजपा के राज में बन रहा है। देखिए समाज, आप फिर वही ले, समाजवाद से ही राम राज आ सकता है। और आप अब समय पार्टी की बात कर रहे हैं, अब धर्म से भी आप देखिए पार्टी में आ गए, मैं पार्टी की बात करूं, अगर शायद अखिलेश यादव के कार्यकाल में यह मंदिर बनता तो जिस जैसे आगरा एक्सप्रेस वे बना एक समय सीमा पे, अच्छा उस इनसे अच्छा वो बनता और धर्म का बाजारीकरण नहीं होता। अखिलेश यादव मंदिर में नहीं जाते, मस्जिद में नहीं जाते हैं, अखिलेश यादव गीता को मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं, पुराण को मानते हैं, भी पीर को मानते हैं, पैगंबर को मानते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, गौ को मानते हैं, गंगा को मानते हैं। अभी तो शुद्धिकरण करी गई थी, अभी तो शुद्धिकरण हुआ था उनके मकान। सुनिए आप सुनिए, लेकिन उसके नाम पे वो वोट नहीं मांगते, वो कहते मैंने 100 नंबर दिया, 102 नंबर दिया, 112 नंबर दिया, लोक भवन बनाया, स्टेडियम बनाया, आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, मैं ये बनाया, इस पे आप दो। अखिलेश यादव कहते हैं कि ये गीता जैसा संविधान हमारे देश का पवित्र है, तो यही तो समाजवाद है, यही समाजवाद से राम राज आ सकता है। अब उनका पाखंडवाद है जो आपने कहा कि गंगा जल से शुद्धिकरण हो रहा है,